स्टूडेंट वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस. आई एम प्रीति. ओपन पेज नंबर 42 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द सम ऑफ 3079 एंड 4732 एंड सबट्रैक्ट 1968 फ्रॉम द टोटल. तो बेटा देखो इसमें सम ऑफ बोथ ऑफ नंबर लेंगे हम पहले. This and this, sum of 3079 plus 4732 and subtract 1968 from the total. इन दोनों के total में से क्या subtract करना है? 1968. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को plus करेंगे. 3079 plus 1286. Then we do this 3850
50 में से 1, 2, 8, 6 इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, मैंने आपको बताया था ना पहले। ओके ठीक है, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 0 प्लस 6 6 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 1 1746। तो उसने बाय बस और बाय ट्रेन से कितना ट्रेवल किया, 1746। हम इसको क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3850 में से 1746। देर इज 0, 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता बच्चे, देन वी टेक कैरी फ्रॉम हियर, देर इज 4 एंड देर इज 10, 10 माइनस 6, 4, 4 माइनस 4, 0, 8 माइनस 7, 1, 3 माइनस 1, 2, सो आंसर इज 2104 किलो, तो उसने किससे ट्रेवल किया, बाय कार्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yes, question number 4 is, in a forest, there were 1728 pine trees and 2486 other trees. Okay, 506 trees fell in a storm. How many trees remained standing? देखो बेटा, एक forest है, उसमें 1728 trees है, okay? जिसमें से कुछ तो pine tree हैं और कुछ other trees हैं, okay? तो पाइन ट्रीज कितने हैं, 2486, अदर ट्री कितने हैं, 506, और ट्री जो है स्टॉर्म में गिर गए, जब आंधी आती है ना, आंधी में कई पेड़ गिर जाते हैं, तो कितने ट्री गिर गए, हमें ये बताने हैं कि कितने ट्री जो हैं वो रह गए। तो क्या करना है हमें, पाइन ट्री थे 1728 एंड अदर ट्रीज थे 2486 एंड जो ट्री फेल डाउन हो गए कितने थे, 506, और हमें क्या बताना है कि कितने ट्री फॉरेस्ट में अब हैं। तो पाइन ट्री थे 1728, अदर ट्री थे 2486 एंड जो ट्री जो है फेल डाउन हो गए अभी से होते 506। तो आप बताओ बच्चे क्या करेंगे, जो ये दोनों ट्री हैं उनको प्लस करेंगे, उसमें से जो ट्री गिर गए उनको माइनस कर देंगे, देन यू राइट हियर 1728 प्लस 2486 माइनस 506, देन वी राइट 1728 में पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले ऐड करेंगे ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 8 11 कैरी 1, 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, तो इतने टोटल ट्री इतने थे, पाइन ट्री और अदर ट्री मिला के टोटल कितने थे, 4240। ओके और अब हमें इसमें से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4240 माइनस करेंगे 506, 14 माइनस 6 8, यहाँ 0, 0 माइनस 0, 0, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, देन वी टेक कैरी फ्रॉम मी हियर एंड देयर इज 12, 12 माइनस 5, 7, देयर इज 3, देन टोटल ट्री जो कितने रह गए थे, 3708। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए स्कूल देयर वर
2349 स्टूडेंट. एक स्कूल है जब स्टार्टिंग हुई तो इसमें स्टूडेंट थे 2349 एंड 251 न्यू स्टूडेंट वर एडमिटेड. अब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो उसमें कितने स्टूडेंट और आ गए 251 स्टूडेंट एंड 169 स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल. तो जो 169 स्टूडेंट थे ना उन्होंने स्कूल छोड़ दिया ड्यूरिंग द ईयर. उसी ईयर में हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द स्कूल एट द एंड ऑफ दैट ईयर. हमें बताना है कि जो स्कूल के जो ईयर का एंड हुआ था उसमें स्कूल में कितने स्टूडेंट थे. स्टार्टिंग में कितने थे स्टूडेंट इन द स्कूल 2349. न्यू स्टूडेंट कितने आए. न्यू स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट न्यू आए 251 स्टूडेंट एंड लेफ्ट कितने कितने स्टूडेंट्स स्कूल लेफ्ट किया. स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल कितने स्टूडेंट ने लेफ्ट किया 169 स्टूडेंट. देखो स्टार्टिंग में स्कूल में स्टूडेंट थे 2349 और न्यू स्टूडेंट कितने आ गए 251 और स्कूल लेफ्ट कितने स्टूडेंट ने किया 169. तो टोटल स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितने होंगे. इसमें देखो जो स्टूडेंट थे उसमें ये न्यू स्टूडेंट तो ऐड होंगे ना. 2349 प्लस 251 और जो स्टूडेंट जो लेफ्ट हो गए जो स्कूल से चले गए वो उसमें से क्या होंगे सब्ट्रैक्ट. 169 क्या हो जाएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट. देन वी ऐड दिस फ्रॉम दिस 2349 251 ऐड करेंगे इसको एंड जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 + 1 10 कैरी 1 5 + 5 10 कैरी 1 3 + 1 4 4 + 2 6 दिस इज 2 एंड क्या है 2600 स्टूडेंट थे उसमें से लेफ्ट कितना ने किया 169 स्टूडेंट ने. तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 - 9 1 देयर इज 9 9 - 6 3 6 - 1 5 एंड दिस इज 2 देन एंड में कितने स्टूडेंट रह गए 2531. ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे.